क्या आपने कभी सोचा है कि छींक क्यों आती है? इस बात की मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजाहत पेश करते हैं। एक फिलोसोफर पॉप ग्रेगी ने सदियों पहले इस बात की ये दलील दी कि जिन लोगों को छींक आती है वो प्लेग यानी ताउन की वबा से महफूज रहते हैं। एक और वजाहत के मुताबिक छींक को यूनानी जुबान में प्न्यूमा कहा जाता है, जिसका मतलब है रूह। उन लोगों का ख्याल था कि छींक का आना मौत के तजुर्बे जैसा है और ये कि छींक आने से इंसान जिंदा रहता है। छींक हमारी नर्व से शुरू होती है, जब हमारे नाक के साथ मौजूद लाइनिंग में इरिटेशन होती है, चाहे वो सर्दी से हो या फिर वो पोलन्स से हो, गर्दो गुबार या धुएं वगैरह से हो। हमारी बॉडी इस एक्शन के नतीजे में रिएक्शन करती है और हमारा स्नीज सेंटर इसको मैसेज मिलता है और फिर स्नीज सेंटर हमारे मुंह, आंखों और गले के करीब एक मैसेज भेजता है। चेस्ट मसल्स सुकड़ते हैं और लंग्स यानी फेफड़ों को कंप्रेस करते हैं, जबकि थ्रोट के मसल्स रिलैक्स्ड पोजिशन में होते हैं और इससे 2000 से 5000 बैक्टीरिया हवा में जाते हैं। छींक में मौजूद ड्रॉपलेट्स का रेडियस 5 फुट होता है, इसलिए कहा जाता है कि छींकते वक्त अपने नाक और मुंह को कपड़े से ढांप कर रखें। छींक बहुत ही तेज होती है और 100 mph की रफ्तार से फासला तय करती है। छींक हमारे जिस्म को महफूज रखती है और ये इम्यून सिस्टम में एक अहम किरदार अदा करती है। छींक आपके नाक में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को बाहर फेंकती है। एक ही वक्त में 3 छींकें इकट्ठी भी आ सकती हैं और ये इरिटेंट्स को एयरवे से निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को धूप में जाने से भी छींकें आती हैं, क्योंकि धूप में जाने से लाइट इंटेंसिटी चेंज होती है, और अगर कोई जानबूझकर अपने नाक में टिश्यू पेपर डालता है तो इससे भी छींकें आ सकती हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों को ऐसा भी होता है कि जब वो कोई मसाला सूंघते हैं तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। डार्क चॉकलेट का एक पीस जिसमें कोको की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको खाने से भी छींकें आ सकती हैं। इसके अलावा ऐसे भी होता है कि बाज़ लोग अगर ठंड में जाएं तो जब हवा में सांस लेते हैं तो हमारे नेज़ल पैसेज की लाइनिंग मुतासर होती है, इससे भी छींक आ सकती है, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होता है। इसके बाद बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फिजी ड्रिंक्स से छींकें आना शुरू हो जाती हैं, जब भी वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं उनको छींकें शुरू हो जाती हैं। ये तमाम वजूहात पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, क्योंकि हर कोई इरिटेंट से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है और हर किसी की सेंसिटिविटीज़ डिफरेंट होती हैं। छींक आना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है।